बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया जितनी तबाही का शिकार आज है, आज से कभी भी नहीं थी। इमेजिन करें, नेटोस की कंट्रीज जिनका बॉर्डर रूस के साथ लगता है, इन्होंने अपने सारे जेट्स डिप्लॉय कर दिए हैं जिनमें हाइड्रोजन बम लगे हुए हैं, और इन सब को हाई अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी वक्त आपका ऑर्डर हो तो आपने रूस पर बमबारी कर देनी है। अब आप सोचें, जो नेटो की कंट्रीज हैं, नॉर्वे है, फिनलैंड है, इस्टोनिया है, पोलैंड है और दीगर कंट्रीज हैं, यूक्रेन समेत, इन्होंने काम ये किया है कि यहाँ पर नेटो के हर तरह के जेट्स पहुँच चुके हैं और उनको डिप्लॉय कर दिया गया पूरी तरह उनमें, यानी ये बम, ये हथियार, ये तमाम चीज़ें नसब कर दी गई हैं, और इन सब का जो रुख है वो सीधा सीधा रूस की तरफ किया गया है। आज से पहले कभी दुनिया इतनी तबाही का शिकार नहीं होने वाली थी, यानी इस तरह की सूरत हाल कभी पैदा नहीं हुई थी। वर्ल्ड वार टू से पहले की सिचुएशन आप उठा लें और आज की सिचुएशन आप उठा लें, आपको एग्जैक्टली लगेगा हम बिल्कुल उस सिचुएशन में पहुंचे हुए हैं। यानी आप ये देख लें, एक तरफ खित्ते की सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है वो IMF के आगे टुकड़ों में उसके पल रहा है, उसको पता ही नहीं है दुनिया में हो क्या रहा है, क्या सूरत हाल है। वहाँ जिस लेवल की जंग है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि उसका पाकिस्तान के बच्चे बच्चे पर असर बढ़ना है, क्योंकि तेल की कीमतें, गैस की कीमतें, ये सब आसमान को छू जाए। हमें तब पता चलेगा, जिस तरह लास्ट टाइम तेल की कीमत ऊपर गई थी तब हमें पता चला था कि यूक्रेन और रूस की जंग का नुकसान क्या। अब तो पूरे का पूरे न्यूक्लियर वॉर की तरफ मामला जा रहा है। आप ये सोचें कि जब 30-40 ममालिक किसी भी मुल्क पर हमला करेंगे तो क्या वो चुप बैठेगा? यानी रूस के पास इस वक्त इन सारी सूरत हाल में, इसीलिए तो प्यूटिन ने बयान दिया है, उसने कहा कि मेरा जो हाथ है या मेरी उंगलियां जो है वो न्यूक्लियर बटन पर है, आप ही हरकत करेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सोचे जरा, उसकी इतनी धमकियों के बावजूद ये अपने जेट्स ले आए हैं और बॉर्डर के ऊपर लाकर इन्होंने तैनात कर दिए, हाइड्रोजन बम है और ये तमाम चीजें, और कहा उन्होंने कि ठीक है जी, हम पूरी तरह रूस के खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। यानी आप ये सोच लें कि ये इतनी तबाही का शिकार कर रहे हैं पूरे खित्ते को, असल में शुरुआत अब हो गई है। मैक्रन और ये तमाम जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने अपनी कौम को सोचे हंगामी बेसिस पर, फ्रांस का सदर मैक्रन आता है और अपनी कौम को कहता है कि पूरी कौम जंग के लिए तैयार है, शायद अब हमारा लड़ाई का वक्त आ गया है रूस के साथ। अब आप सोचे जरा, जर्मनी के मामला देख लें, फ्रांस के देख लें, और पूरे के पूरे खित्ते के अंदर तमाम जितने भी लीडरान हैं वो जाकर अपनी कौम को कह रहे हैं कि आप तैयार हैं, क्योंकि ये सारे के सारे उन बड़ी ताकतों के नुमाइंदे हैं जो पूरी दुनिया को जंग में धकेल देना चाहते हैं। अब आप सोचें जरा, पूरे का पूरा जो वेस्ट है वो ऑलरेडी तबाही का शिकार है, यानी वो इस जंग में कूदने जा रहा है, जिस जंग का बिल्कुल आपको पता है कि ये बाद में न्यूक्लियर वॉर में बदल जाएगी। अब सोचें जरा कि इस वक्त रूस ने अपनी तमाम फोर्सेस को हाई अलर्ट किया हुआ है, ये तमाम के तमाम बॉर्डर्स पर लाकर इन्होंने मिसाइल जो है लॉन्ग रेंज वो तैनात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्कशन क्या चल रही है इस वक्त कि यूक्रेन में लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो फौरी तौर पर हंगामी बेसिस पर पहुंचाए जाए और उनको एक्टिवेट करके रूस के ऊपर हमला किया जाए। यानी आप ये सोच लें कि कोई रीजन ऐसी नहीं रहेगी कि जहां पर आपको ये बात नजर आए कि ये लड़ाई के लिए नहीं कूद रहे। असल में इनको तकलीफ अब चढ़ी है सबसे ज्यादा। ये जो होशियों का ऐलान हुआ है कि भाई हमने हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया है और हम ये पूरी तरह मारेंगे, यानी भारत से लेकर तमाम तरह इनके निशाने पर है, असल में इस चीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया है, इनको ट्रिगर किया है और इनको कहा है कि भाई अब सोचो जरा। देखिए, सबको ये बात पता है कि ना तो 2 महीने के अंदर आप हाइपरसोनिक मिसाइल बनाते हैं, ना 3 या 4 महीने में। ये सबको पता है कि रूस ने, चाइना ने किस तरह इनकी मदद की है, बल्कि उनको सबसे ज्यादा शक इस बात का है कि रूस ने असल में अपने हाइपरसोनिक मिसाइल थ्रू ईरान इन तक पहुंचाए हैं और अब ये इस लेवल पर आ गए हैं कि किसी को भी मार सकते हैं। अब आप ये सोचें कि इस वक्त जहाज जाना बंद हो गए हैं, यानी जो काफी सारा सामान है, बहरी बेड़े जो हैं वो जाना बंद हो गए। अब इनको ये लगता है कि इसी तरह रूस ताकत पकड़ता जा रहा है। असल में तो इसराइल को रूस से खतरा है ना, सबसे बड़ा खतरा तो इसराइल को है। आपको हकीकत टीवी की वो बातें याद आएंगी, आपको कहा था कि लड़ाई असल में फ्यूचर की रूस की होनी है, रूस की और इसराइल की लड़ाई होनी है, क्योंकि उनको सबसे बड़ा खतरा ये है कि रूस शाम में बैठा हुआ है और रूस इस वक्त पूरी तरह हूसियों को भी हथियार दे रहा है, इनको भी दे रहा है। उन्होंने तो बल्कि इल्ज़ाम लगाया था कि हमास को भी दे रहा है।
अब सबसे बड़ा जो खतरा है वो इस वक्त इसराइल को है, उसको ये जंग जीतते हुए कोई भी मामला सामने रखना होगा कि भाई मैं कोई रीजन रखनी होगी, मैं जीत रहा हूँ, वो नहीं रख पा रहा। अब उनको पता है, देखिए इसराइल ने तकरीबन को इस वक्त 30 के करीब मिसाइल मारे थे शाम पर, वो सारे के सारे रूस के डिफेंस सिस्टम ने उड़ा दिए। इसका मतलब है कि रूस शाम के अंदर तगड़ा है, और ये सबको पता है आपकी पेशन गोइयों के हवाले से शाम में कौन सा अखाड़ा सजना है, तो रूस इस वक्त पूरी ताकत के साथ वहां पर है। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि बहुत सारी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं और बहुत सारे जो लोग हैं उनको रूस ने दावत दी है कि आप आए आकर लड़े और हमारे साथ हम लड़ाई करेंगे। उनको पता है कि दुनिया भर से अगर 2 अरब मुसलमान हैं, कोई भी मुस्लिम लीडर इस वक्त अमेरिका के खिलाफ जाने को तैयार नहीं, किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि वो अमरीका के सामने खड़ा हो सके, चाहे उसकी जितनी मर्जी बड़ी फौज है, एयरफोर्स है, अमरीका के कहे बगैर ना तो इसराइल के खिलाफ कोई बयान दे सकते हैं और ना ही वो यूरोप की किसी साइड पर लड़ने के लिए जा सकते हैं। तो रूस ने ये काम किया कि उसने सारी उम्मत मुस्लिमा समेत सबको कहा कि आओ मेरे मुल्क में, आओ लड़ने के लिए, यूक्रेन में लड़ाई करो, मैं आपको घर दूंगा, मैं आपको होटल्स दूंगा, मेरे पास लैंड बहुत ज़्यादा, आपको हर तरह की चीज़ दूंगा, पासपोर्ट दूंगा, तमाम चीज़ें दूंगा, सो लिहाजा आप यहाँ पर आकर लड़ो। अब ये बात उनको पता है कि कोई और नहीं कर सकता, दुनिया में मुस्लिम जो है वो देखेंगे कि भाई इसका एक ही ताल्लुक है, शाम में ये लड़ रहा है, हमास के साथ इनके ताल्लुकात है, हौसियों को ये सपोर्ट कर रहे, तो कल को वो इनके साथ आएंगे और चाहे वो इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए भेजे या यहाँ पर भेजे, लेकिन लड़ाई बहरहाल होने जा रही है। अब आप ये सोचें कि इस वक्त मुलाकातें हो रही हैं, मैक्रन की आप बात सुने जरा, कभी आपने इस तरह की गुफ्तगु इन लोगों के मुंह से नहीं सुनी, लेकिन आज वो कहता है कि अमन लाना है तो जंग करना होगी। यानी आप सोचें जरा कि दुनिया में कभी आप अमन ला सकते हैं जंग से? यानी अफगानिस्तान में इन्होंने क्या था, इन्होंने यही कहा था कि भाई ठीक है अमन लेकर आना है तो आपको जंग करना होगी, और उसके बाद अमन तो कभी भी नहीं आया। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज चूंकि अमेरिका के आगे लेटी हुई है सारी, कोई भी अमेरिका अभी भी आप सोचे कि अमेरिका का इतना सरो रसूख है कि जब होशियों ने अमेरिका को शारक से पकड़ा हुआ है, ईरान और चाइना समेत तमाम ताकतों ने इनको पकड़ा हुआ है, अब असल में ये प्लान ये कर रहे हैं कि चूंकि इनकी शिकस्त हो गई है तो इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मचाना है। लिहाजा अब अगले चंद महीने जो है बाइडन के इलेक्शन से पहले पहले इन्होंने ये सारा स्यापा क्रिएट करना है और पूरी दुनिया को तबाही के दहाने लाकर खड़ा करना है। देखिए इसमें सबसे बड़ा मसला ये होने वाला है कि दुनिया में कहत पड़ेगा खुराक का। पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है कि जहां पर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, IMF बदमाश ने पूरे का पूरा मुल्क कंट्रोल किया हुआ है, यानी जैसा शबर जैदी ने कहा था कि वो एक बदमाश है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में आप अपनी तैयारी कर लें कि हमने करना क्या है, क्योंकि तेल की कीमतें आसमान पर जाने वाली हैं, दुनिया के अंदर सप्लाई चेन मुतासर होनी है, साइबर हमले होने हैं। आप देखेंगे कि एक दूसरे के मुल्कों पर ये जो हमले करेंगे, यानी किसी की फ़्लाइट कैंसिल होगी, फ़्लाइट्स को मिसाइल लगेंगे, लोग मरेंगे, उसके अलावा गंदम का बहरान, कहत होगा, हर जगह अजीबोगरीब तबाही की सूरत हाल होगी। सिर्फ इसराइल को बचाना है, और इसराइल को पता है कि मैं चूंकि जीत नहीं रहा, लेकिन याद रखिएगा इसकी आड़ के अंदर जो इसराइल ने काम करना है वो बहुत ज़्यादा भयानक होगा। उसने यहाँ पर बड़े ख़तरनाक हमले करने हैं, यानी उसको इस बात का आप सोचें ज़रा, उसने काम ये किया है कि उसने गजा का सारा जो मामला है वो बेचना शुरू कर दिया है, दुनिया को कहा है कि आओ यहाँ पर खरीदो, आओ यहाँ पर ज़मीन हम आपको बेच रहे हैं, उनको परवाह नहीं, उन्होंने देख लिया है 57 मुल्कों का, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली देख लिया है। देखिए हौसियों के चीफ ने बात कही है कि ईरान के अलावा हमारी कोई मदद नहीं करा, उसने कहा कोई आगे बढ़कर मदद नहीं करा, सारे अमरीका से डरे हुए हैं, और ये बात उन्होंने जूम कर ली है कि तकरीबन 150 से ज्यादा दिन हो गए हैं जंग को, कोई मदद करने के लिए नहीं आया। तो मुसलमानों का तो उन्होंने लेवल चेक कर लिया है कि भाई इन्होंने कोई नहीं आना, इनके पास जितनी मर्जी बड़ी फौज है, एयरफोर्स है, ये अमरीका को असल में उन्होंने रखा किस मकसद के लिए, अमरीका को इसीलिए तो रखा हुआ है ना कि जब भी कोई मुस्लिम कंट्री आगे बढ़कर कोशिश करे वो अमरीका को आगे कर दे, वो आंखें दिखाएं और ये सारे दुम दबाकर बैठ जाए। अब तो आप सोच लें इन ममालिक के अंदर इत्तेजाज भी नहीं हो रहा, यानी गजा के लिए। सो अब रमजान कैसा गुजर रहा है, क्या हो रहा है, किसी ने देखा? किसी ने नहीं। इतने लॉन्ग रेंज मिसाइल, इतने जेट्स और ये वो किस लिए रखे हुए, ना दुर्गी ने जाना ना किसी और ने। सो अब सूरत हाल उन्होंने यहां पर देख लिया, लिहाजा उनको एक चीज काबू करनी है और वो है रूस। रूस से उनको बहुत ज्यादा खतरा है। देखिए रूस का इतना लैंड है कि सारे शायद यूरोप का इतना ना लैंड हो, रूस का सबसे बड़ा मामला उनके लिए खतरनाक है कि वो लड़ाई करने के लिए तैयार है। असल में उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि हम कल को इस लेवल की लड़ाई करेंगे, क्योंकि ये सोचकर वो एंटर हुए थे यूक्रेन की जंग में कि हम इनको शिकस्त दे देंगे। रूस तो शिकस्त नहीं दे पाए।
अगर आज रूस को शिकस्त हो जाती तो चाइना इस वक्त हालत जंग में होता, लड़ाई कर रहा होता। तो उन्होंने अब कहा है कि ठीक है, अब हम तो हार गए हैं, यूरोप को देखिए मैक्रन का क्या मामला है, मैक्रन से लेकर बाकी ताकतें, उसकी बीवी के, ये असल में अजीबोगरीब मामला है कि उसकी बीवी का पूरा स्कैंडल सामने लेकर आ रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसको डरा रहे अपनी जातियात बचाने के लिए, मैक्रन हो या कुछ हो, ये सारे रूस से जंग करने के लिए तैयार है, यानी पूरी तरह तबाही करने के लिए तैयार है। और सबसे खतरनाक सूरत हाल ये है कि ये पूरे वर्ल्ड को आग में धकेलने के लिए तैयार। अगर होशियों के मुकाबले में सऊदी अरब या किसी भी मुल्क ने अड्डे दे दिए होते तो मिडिल ईस्ट पूरा जल जाता। उन्होंने अक्लमंदी दिखाई, उन्होंने कहा भाई हम आपकी जंग में नहीं है। तो अब आप देख लें कि इस वक्त उन्होंने रूस को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है, जेट्स वो लेकर आ गए हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल उन्होंने डिप्लॉय कर दी है, बजाय कि ये कहें कि क्योंकि ब्रिटेन ने ये बात कह दी है कि भाई हमारे न्यूक्लियर तैयार है, आप ये कहें कि नहीं दुनिया को न्यूक्लियर से बचाना है, वो कह रहे हैं ठीक है अगर लड़ाई होती है तो फिर हो जाए। आपने ताकत देखी है इसराइल की, कितनी ताकत है उसकी कि उसको परवाह ही नहीं है इस बात की कि दुनिया के अंदर किस लेवल की तबाही हो रही है और मामला क्या हो रहा है, उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। वो कहता है मैंने तबाही करनी है दुनिया की। सो अब असल में इन्होंने अगले मरहले के ऊपर जो हमले होने हैं, देखिए रूस ने काम ये किया कि उन्होंने एक छोटा सा ट्रिक दिखाया था, उन्होंने बरतानिया की जो रॉयल एयरफोर्स है उसके जो जेट्स हैं यानी जो तैयारे हैं उनका रापता मुनकता कर दिया, जैम कर दिया पूरे का पूरा सिस्टम। उन्होंने ये बताया कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, उनका आर्मी चीफ ये उड़ा सकते हैं, उनका एयर चीफ उड़ा सकते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी उड़ा सकते हैं, सब ये काम कर सकते हैं, और करके उन्होंने दिखाया दो दिन पहले। अब बरतानिया चीख रहा है, अब सोचो जरा जब ऐसी सूरत हाल होगी आप किसी भी मुल्क का कोई आर्मी चीफ उड़ा देंगे तो क्या वो जंग नहीं रह जाएगी, फिर ये तबाही अगले लेवल पर चली जाएगी। यूरोप एक ऐसी यानी जगह है कि जहां पर एक अच्छा पुरमन सुकून इलाका है, कई कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर, अब ये सारे के सारे वहां पर उनको लड़ाने के लिए तैयार है। इस तरह यूरोप टूट जाएगा, आप देखेंगे कि यूरो जोन ऐसा ऐसा टूटना शुरू हो जाएगा क्योंकि कई कंट्रीज कहेंगी कि हमने लड़ाई नहीं करनी और कुछ कहेंगे हमने लड़ाई करनी है। तो इस सारे मामले के अंदर या तो वहां पर आवाम सड़कों पर आ जाएंगे, अपने हुक्मरानों के वो तख्ते उलट देंगे, कुछ को फारिग कर देंगे, कुछ रिजाइन कर देंगे, कुछ खड़े हो जाएंगे, जो इस वक्त यूक्रेन में जेलेंस्की ने किया है, यानी आप देखिए वो एक मस्खरा लाकर उन्होंने बिठा दिया वहां पर और उस मस्खरे को मुस्लिम कंट्रीज हथियार सप्लाई करते रहे, यानी इससे बड़ा तबाहकुन मामला क्या है। उस मस्खरे ने लाकर पूरी दुनिया को हालत जंग में फेंक दिया है। और सोचें कि अब इसके बाद जो हमारे ऊपर असर बनना है, यानी पाकिस्तान पर जो असर पड़ेगा और दुनिया पर पड़ेगा, तेल की कीमतें कहाँ चली जाएंगी। पाकिस्तान तो इस वक्त इस सारी सूरत हाल का सामना कर रहा है कि IMF हमें ये कह रहा है कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टीज बेचे, फलाना बेचे, ये बेचे, वो बेचे, कैसे मैनेज कर सकते हैं, हमें कतन कोई नहीं, हम सिर्फ आगे मन करके बैठे हैं जी, अमेरिका को नाराज नहीं करना, वो फलाना ये हो जाएगा अमेरिका। आप सोचें कि इस जंग को जब शुरू होगी और अमेरिका आपको कहे कि ठीक है जी आ जाओ मेरे साथ लड़ने के लिए, नहीं तो IMF से हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जिन जिन ममालिक पर वो जोर डाल सकता है, तो क्या वो इनकार कर सकते हैं। अगर वो इनकार करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर उनको बड़ी भयानक कीमत चुकाना पड़ेगी। चाइना इस वक्त बड़ा खामोश बैठा हुआ है लेकिन वो सारी सूरत हाल की तैयारी कर रहा है। देखिए जो बड़े ममालिक की मईशत है वो इस वक्त परेशान है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एक साइड लेनी है और उन साइड्स के बाद और बहुत सारी लड़ाई आ सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए भारत ने CAA कानून लेकर आया, अब बाजाहिर वो कानून बड़े सालों से है, अमेरिका को अब यानी खड़ा हो गया जी हम भारत के खिलाफ जाएंगे, हम फलाना करेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, उसको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, उसको प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमने भारत को तैयार करना है कि वो यूरोप के साथ इस जंग में जाए, यानी वो रूस के खिलाफ जाए। तो असल में वो फ्यूल पूरी तरह प्रोवाइड कर रहे हैं जो खित्ते के अंदर मजीद तबाही का बाइस बने, उसको कतन कोई परवाह नहीं है, खित्ता कहाँ जा रहा है, तबाही कितनी हो रही है, किस लेवल पर जा रहे हैं पूरे का पूरा। अब असल में इन्होंने शुरुआत अभी यहाँ नहीं करनी थी रूस के खिलाफ, ये मिडिल ईस्ट में थे, इनका प्लान था पहले मिडिल ईस्ट को आग में धकेलने का, वो तो सरप्राइज एक होशी खड़े हो गए और अब वो हाइपरसोनिक मिसाइल ले आए हैं और उन्होंने कह दिया कि हमने फलाना करना ये करना, तो इस सारे मामले पर वो पूरी तरह तबाही का शिकार करने जा रहे हैं। सो अगले कुछ अरसे में इस वक्त हालात ये बता रहे हैं आने वाले वक्त के अंदर कि इन्होंने रूस से लड़ाई कर लेनी है, कोई इनको इस वक्त सूरत हाल सामने नजर नहीं आ रही, और जब ये लड़ाई में कूद पड़ेंगे तो फिर सिर्फ और सिर्फ दुनिया की तबाही होगी और कुछ नहीं।
अब ये तैयार है, एक इन्होंने हमला करना है, सिर्फ एक हमला रूस के ऊपर, और रूस ने अपने मिसाइलों के बटन दबा देने हैं। फिर उसने ये नहीं देखना कि पोलैंड पर गिर रहा है या फिर नॉर्वे पर है या किसी और मुल्क पर है। फिर वो जब एक दफ़ा लड़ाई शुरू हो गई तो फिर हो गई, फिर आप देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे और दुनिया के अंदर मामलात बिगड़ते हुए दुनिया देखेगी और कीमतों को आप आसमान पर जाते हुए देखेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।